हेलो गाइस, तो ये वीडियो होने वाली है हमारे कि किस किस तरीके के हेयर पैचेस आते हैं या किस किस तरीके की कैटेगरी ऑफ पैचेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो जनरली ये तीन कैटेगरी के अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड मोनोफिलामेंट, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि मोनोफिलामेंट मतलब एक पैच, मोनोफिलामेंट मतलब एक कैटेगरी है। बेसिकली मोनोफिलामेंट हम उस पैच को बोलते हैं जिसके अंदर चारों तरफ से बॉर्डर होता है, समथिंग लाइक दिस, जिसके चारों तरफ से आपको बॉर्डर मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी होती है, दैट्स अ लेस कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे सब पार्ट्स आते हैं, फुल लेस, फ्रंट लेस, फ्रेंच लेस। सो लेस कैटेगरी में क्या होता है, उसके अंदर जनरली जो फ्रंट से है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ नेट दी होती है, जिसको जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आता है फ्रंट से। थर्ड हमारी कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड स्किन बेस्ड। सो वो एक ऐसे पैचेस होते हैं जिसके अंदर दो या तीन लेयर के अंदर हम उस पैच को बनाते हैं, एंड उसके अंदर एक अलग से हमारी स्किन विजिबल होती है। सो अब अगर मैं बात करूं मोनोफिलामेंट पैचेस की, सो मोनोफिलामेंट एक अपने आप में एक कैटेगरी है, लेस अपने आप में एक कैटेगरी है, स्किन बेस अपने आप में एक कैटेगरी है। सो 90% पैचेस इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब वो पैचेस की क्वालिटी मैटर करती है उसका प्राइस क्या होगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मोनोफिलामेंट पैच की, सो मोनोफिलामेंट पैच 8,000 से लेके 30,000 तक अवेलेबल होते हैं, एंड अगर मैं बात करूं लेस पैचेस की, वो 15,000 से लेके 30-35,000 तक अवेलेबल होते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्किन बेस की, सो वो 25 से लेके 40,000 तक अवेलेबल होते हैं। सो ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं या सारे के सारे जो हमारे पैचेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तीन कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई हो जाती हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं हर एक कैटेगरी के प्रॉन्स एंड कॉन्स बताऊंगा आपको, किसके क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। सो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है, इंस्टेड ऑफ कि आपको ये वाला पैच लगवाना है या आपको ये वाला पैच लगवाना है। बिकॉज जब हम एक कैटेगरी को क्लासीफाई कर लेते हैं तो हम डिसाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमें कौन सी पैच लेनी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको लेस वाले पैचेस लेने हैं, सो हम इस कैटेगरी को अलग कर देंगे एंड हम सिर्फ और सिर्फ लेस कैटेगरी के अंदर पैचेस को देखेंगे। अब लेस कैटेगरी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 15,000 से लेकर 35,000 तक पैचेस हैं। सो अब आपके ऊपर है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या नीड है, आपको किस क्वालिटी ऑफ पैच को लेना है। सो ये आपके लिए एक बहुत ईजी मेथड है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कैटेगरी का पैच में आपको ऑप्ट करना है। सो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोनोफिलामेंट की। ये एक ऐसे पैचेस हैं जिनकी लाइफ जनरली बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली इसके अंदर आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, कोई भी लुक बना सकते हैं। ये 70-80% हमारे जो पैचेस हैं वो यही चलते हैं। इस मोनोफिलामेंट के अंदर हमारे पास अब काफ़ी सारी वेराइटी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया 8,000 से लेके 40,000 काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। सो मोनोफिलामेंट की अगर मैं बात करूँ, इस पैच के अंदर चारों तरफ से एक बॉर्डर होता है, जिस बॉर्डर के ऊपर या तो आप क्लिपिंग या आप टेपिंग या आप ग्लू मेथड, तीनों के तीनों ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर चारों तरफ से एक बॉर्डर रहता है, सो ये जब आपके हेड के ऊपर चिपकता है, सो हम इसके चारों तरफ ग्लू का यूज़ करते हैं या टेप का यूज़ करते हैं, एंड जो मिडल पोर्शन होता है ये हमारा फ्री रहता है एयर फ्लो के लिए। ये पैचेस उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिनको एक रफ एंड टफ यूज़ करना है, या अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल फ्री स्टाइल हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, या उनको एक ऐसा पैच चाहिए जिसकी एक ओवरऑल लाइफ भी अच्छी हो। अब इस मोनोफिलामेंट के अंदर इट्स अप टू यू कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी है। अब एक अच्छी क्वालिटी और एक नॉर्मल क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैं इसके अंदर बेसिकली सिर्फ कैटेगरी को क्लासीफाई कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल क्वालिटी के अंदर पैच के अंदर जाता हूँ, सो उसकी एक तो हेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, सो उसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रफनेस, टैंगल, ये सब चीज़ें रहती हैं बिकॉज ये डेड हेयर है एक तरीके से। सेकेंडली नोटिंग का फर्क रहता है, थर्ड बेस क्वालिटी का फर्क रहता है। सो ये तीन चार फर्क होते हैं जैसे जैसे हमारे प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। सो मोनोफिलामेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक रफ एंड टफ पैच को यूज करना चाहते हैं, जिनको एक फ्री स्टाइल पैच लगना है, जिनको कभी बैक कॉमिंग करनी है, जिनको कभी कोई हेयर स्टाइल निकालना है, बिकॉज ये पैच के अंदर आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। एंड ये फ्री स्टाइल पैचेस अगर आप चाहते हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट एंड सबसे ज्यादा बेस्ट पैचेस रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं लेस पैचेस की, इन पैचेस की क्या खासियत है, लेस पैचेस के अंदर बेसिकली फ्रंट से एक लेस होती है, ये जो नेट होता है ये नेट कट जाता है, एंड जब हम इसको बैक कॉमिंग करते हैं ना, सो इसके अंदर थोड़ा सा नेचुरल लुक रहता है। नेचुरल लुक से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप मोनोफिलामेंट लेंगे सो उसके अंदर नेचुरल लुक नहीं आएगा। मोनोफिलामेंट मैंने आपको बताया 70-80% मोनोफिलामेंट पैचेस लगते हैं।
तो फर्क क्या आता है इसके अंदर फ्रंट से आपको, बिकॉज कोई बॉर्डर नहीं होता, सो जब हम बैक कॉमिंग करते हैं, सो मोनोफिलामेंट की अगर मैं बात करूं, तो जब हम बैक कॉमिंग करते हैं तो जहां से हमारा स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर एरिया से लेके पीछे तक आपको डेंसिटी मिलती है। अगर मैं बात करूं लेस की, बिकॉज इसके अंदर बॉर्डर नहीं होता तो लेस की वजह से आगे से फ्रंट से डेंसिटी थोड़ी सी लो होती है, जिस वजह से इसके अंदर नेचुरल लुक आता है अगर हम बैक कॉमिंग करते हैं। ये जो चीज मैंने आपको बोली है कि अगर हम बैक कॉमिंग करते हैं, सी ये पैचेस डेडिकेटली उन लोगों के लिए हैं जिनको हमेशा बैक कॉमिंग करनी है, अदरवाइज ये पैचेस बहुत ज्यादा हम नॉर्मल अगर किसी को फ्री स्टाइल लुक रखना है, किसी को एक लिटिल बिट पार्टीशन निकालना है, किसी को लेफ्ट पार्टीशन राइट पार्टीशन फ्री स्टाइल रखना है, कोई कभी कभी आप बैक कॉमिंग करते हैं तो आप मोनोफिलामेंट में जाइए। एंड मोनोफिलामेंट में अगर आपको एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेनी है तो उस पर आप जाइए, वो आपको क्वालिटी मिल जाएगी, थिन से थिन बॉर्डर मिल जाएगा आपको एंड हेयर क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगी, बट कैटेगरी चूज करिए मोनोफिलामेंट अगर आपने हर वक्त बैक कॉमिंग नहीं करनी है। सेकेंड रीजन जो मैंने आपको बताया ये बैक कॉमिंग के लिए क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो नोटिंग होती है, बिकॉज इसमें नेट है, सो इसमें जनरली जो सारी नोटिंग होती है ना वो 90% आपकी बैक कॉमिंग के लिए आती है। एंड जब हम बैक कॉमिंग वाले पैचेस के अंदर पार्टीशन या हम अगर एक नॉर्मल लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग आपको मोनोफिलामेंट में मिल जाएगी वो फिनिशिंग आपको इसके अंदर लिटिल बिट कम मिलेगी। सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर मोनोफिलामेंट कैटेगरी के पैचेस की लाइफ थोड़ी सी बेटर होती है, बिकॉज इसमें चारों तरफ बॉर्डर है एंड रफ एंड टफ यूसेज के लिए बेस्ट है। इसके अंदर एक मेजर इशू ये भी रहता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, बिकॉज जब हम लेस वाले पैचेस की बात करते हैं तो आगे से इसकी डेंसिटी कम होती है एंड जब हम यूज करते हैं सो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेंसिटी उसके अंदर से निकल जाती है, सो ये एक कारण भी रहता है इसकी लाइफ कम होने का। एंड यस, अब अगर मैं बात करूं लेस में तो एक जैसे ये आता है, इसमें चारों तरफ आपका पीछे बेस है, मोनोफिलामेंट बेस जिसे आप कह सकते हैं, एंड आगे से लेस है, देन इसके अंदर एक फुल लेस भी आता है। सो लेस के अंदर वैरायटी है, अब आप जो भी लेते हैं उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, ये 15,000 से लेके 40,000 तक रेंज करेगी। इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज आती हैं, फ्रंट से अगर आपको बहुत अल्ट्रा लाइट डेंसिटी चाहिए, एंड डेंसिटी को आप चाहे ये लीजिए या ये लीजिए, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर आपको सारे बाल बैक कॉमिंग नहीं रखनी है या आप फ्रंट से बहुत ज्यादा लाइट डेंसिटी नहीं चाहते हैं, सो यू कैन ऑफ फॉर मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट में इट्स अप टू यू, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंगली क्वालिटी को चूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं थर्ड कैटेगरी की, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है, दैट्स अ स्किन बेस्ड पैच। सो बेसिकली इस पैचेस और मोनोफिलामेंट पैचेस या फ्रंट लेस या लेसेस पैचेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर ये दो लेयर के अंदर पैच बना होता है। सो जैसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर दी हुई है स्किन की। सो इसकी स्किन की लेयर की वजह से ये एक स्किन बेस्ड कैटेगरी आ जाती है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेटर पैच है जो बहुत ही अल्ट्रा लाइट वेट चाहते हैं, अल्ट्रा लाइट डेंसिटी चाहते हैं, या वो ऐसी चीज चाहते हैं जिसके अंदर से उनका स्काल्प विजिबल हो। सेकेंडली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको पार्टीशन निकालना है, जो चाहते हैं कि हम क्लियर पार्टीशन निकालें, हमारी स्किन पूरी विजिबल हो पार्टीशन के थ्रू, सो उन लोगों के लिए ये पैच अच्छा रहता है। इसके अंदर आपको दोनों कैटेगरी मिल जाती हैं। एक स्किन बेस्ड पैच के अंदर वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर आप स्किन बेस्ड को मोनोफिलामेंट में जा सकते हैं या फिर आप स्किन बेस्ड के अंदर लेस ऑप्शन भी ले सकते हैं। सो दैट्स लाइक अल्ट्रा प्रीमियम पैच, जिसके आगे से तो आपको पूरी नेचुरल लेस मिलेगी एंड पीछे की तरफ से आपको स्किन मिलेगी। अब अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं, कहीं ना कहीं अगर हम स्किन बेस्ड पैच के अंदर जाएंगे सो एक तो इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा होती है, सेकेंडली लाइफ कम रहती है, बिकॉज जो वो स्किन बेस्ड मटेरियल है जिसके अंदर उस बालों को नोट किया गया है, सो वो सिंगल सिंगल नोटिंग, सेकेंडली उसके अंदर से थोड़े से बाल लिटिल विल जल्दी निकल जाते हैं एज कंपेयर टू लेस और एज कंपेयर टू मोनोफिलामेंट। सो इसकी जो लाइफ रहती है वो जनरली वेरी करती है 6 months to 10 months, आपकी केयर के ऊपर रहेगा आप कितनी केयर करते हैं। सो अगर मैं सम अप करूं, ये पैच रफ एंड टफ फ्री स्टाइल यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट है। मोनोफिलामेंट 8,000 से लेके 30,000 तक आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी मिलेगी, जितना पतला आपको बेस चाहिए, जिस हाई क्वालिटी का आपको पैच चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड इसकी जो लाइफ रहती है वो 1 साल से लेके 1.5 साल तक वेरी करती है। अब अगर मैं बात करूं लेस पैचेस की, इसकी प्राइसिंग 15,000 से लेके 40,000 तक है, काफी सारी वेरायटी आती है, टोटली डिपेंड करेगा आप क्या क्वालिटी लेते हैं। इसकी लाइफ जो रहती है वो जनरली 8 to 10 months रहती है, बाकी आपकी केयर के ऊपर है। थर्ड अगर मैं बात करूं स्किन बेस की, इसकी जो लाइफ रहती है वो 6 to 8 months के बीच में रहती है, एंड इसकी जो प्राइसिंग रहती है वो 25,000 से लेके 40,000 तक रहती है। सो ये तीन कैटेगरी ऑफ पैचेस हैं, इन तीन कैटेगरी के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं डेडिकेटली हर एक कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो उसको भी कमेंट कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, सो उसको कमेंट भी कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।